हेलो नमस्कार एवरीवन, आई एम ओजय शंकर फ्रॉम एजआईएस एंड टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर सीरीज ऑफ रिवाइज मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज का हमारा टॉपिक है इवेंट्स इन 1940। दिस ईयर 1940 टू 1947 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स एज देर आर मेनी इवेंट्स विच हैज ऑकर्ड। और ये जो है ना बहुत हाई यील्डिंग ईयर था हमारे क्वेश्चन पूछे जाने के लिए यूपीएससी में आज के डेट में, क्योंकि ये जो था इस समय आज़ादी मिल जाएगी ये बात अब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी थी, और बहुत सारे अंग्रेजों की तरफ से मिशंस आ रहे थे। उस बेसिस पे आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऑफर था, कौन कौन से मिशंस किस तरीके से आए, उस पर इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स था, अलग अलग पार्टीज का क्या रिस्पॉन्स था, और उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं ये आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस टॉपिक को मतलब 1940s टू 1947 जितनी भी इवेंट्स हुई थी इनको काफ़ी ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पिक्युलैरिटीज़ हैं अलग अलग मिशंस के बीच जो क्वेश्चंस में हमें गलतियाँ करा देती हैं। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ओके, तो 1940 में ना एक तो सबसे पहले आया ये अगस्त ऑफर, 8 अगस्त 1940। इसमें क्या हुआ, अनाउंस द अगस्त ऑफर बाई वाइसराय। अब ये भी एक याद रखने वाली चीज़ है, देखो जब भी हम ऐसी कोई इवेंट बड़ा पढ़ेंगे ना तो उसमें उस टाइम पे वाइसराय कौन था, उस टाइम पे कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, ये दो चीज़ें हमारे दिमाग में होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन या एक स्टेटमेंट पूछ देगा तो कन्फ्यूज हो सकते हैं हम लोग। ओके, सो 8 अगस्त 1940 सॉ द अनाउंसमेंट ऑफ वाइसराय किस कौन थे, लिलिथगो फ्रॉम शिमला विद द गोल ऑफ गेनिंग कांग्रेस सपोर्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इस समय क्या चल रहा था, 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिशर्स को चाहिए था इंडिया का सपोर्ट। इंडिया का सपोर्ट कैसे मिलेगा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्ट करेगी, इसलिए उन्होंने इंडिया को एक ऑफर दिया जिसको अगस्त ऑफर कहते हैं। इनका तो वही था ना, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी ये लोग अपनाते थे। उसमें क्या था कि ब्रिटिश हैज फाइनली एक्नॉलेज दैट नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो पहली बार अगर पूछा जाए कि इन विच ऑफर द कॉन्स्टिट्यू नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज बाई ब्रिटिश, वी विल से ऑगस्ट ऑफर। ओके, विच मेड प्रपोजिशन फॉर नोट वर्दी इन स्पाइट ऑफ ब्रिटिश एक्सपेक्टेशन दैट इंडिया वुड एड वॉर एफर्ट। अगर भारत जो है वो ब्रिटिशर्स का साथ देता है तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियंस के द्वारा बनाई जाएगी, ऐसा ऑफर अगस्त ऑफर में दिया गया। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उसने कहा कि ऑफर जो है वो प्रोग्रेसिव है, दे वेयर अनहैप्पी दैट इंडियन पॉलिटिकल ग्रुप हैज नॉट बीन कंसल्टेड बिफोर वाइसराय काउंसिल वाज टू एक्सपेंडेड। बट मुस्लिम लीग ने कहा कि ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते हो, बट जब आप वाइसराय ग्रुप को एक्सपेंड कर रहे थे तो आपने इंडियंस की सलाह नहीं ली, और इनका तो मेन हमेशा मुस्लिम लीग का था कि मुस्लिम्स को आपने उसमें वीटो पावर नहीं दिया, इसलिए इसने ये किया कि अपोज कर दिया। और इस तरीके से जो है अगस्त ऑफर मेजर सेटबैक बन के रह गया, एक कॉपरेशन बन नहीं पाया जिसका एक्सपेक्टेशन था। आफ्टर दैट क्रिप्स मिशन केम इन इंडिया इन 1942। क्रिप्स मिशन अलेक्जेंडर क्रिप्स के अंडर में आया था। ओके, क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया ऑन मार्च 1942, लिलिथगो। अगस्त ऑफर भी किसके अंडर में, लिलिथगो, और ये भी किसके अंडर में, लिलिथगो। ठीक है, और विस्टन चर्चिल, विस्टन चर्चिल कौन थे, प्राइम मिनिस्टर था उस समय वहां का, विस्टन चर्चिल। ठीक है, प्रेजेंटेड द फॉलोइंग की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या क्या थे भाई, गिविंग इंडिया स्टेटस ऑफ डोमिनियन। अब ये लोग 1942 में आके इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम डोमिनियन स्टेटस देने की बात कब हुई, क्रिप्स मिशन में हुई। फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने की बात कब हुई, अगस्त ऑफर में हुई। ठीक है, एंड गिविंग चॉइस टू लीव कॉमनवेल्थ, आप कॉमनवेल्थ भी छोड़ सकते हो, एंड ग्रांटिंग टू एबिलिटी टू ज्वाइन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द यूएन। कहा कि एक आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कॉमनवेल्थ छोड़ सकते हो। तीसरी चीज, आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑफर कहाँ आया, क्रिप्स मिशन में। ओके, उस समय वाइसराय कौन था, लिलिथगो। ठीक है, और क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ये बात अगस्त ऑफर में भी कह चुके थे, ये बात यहां भी कह रहे हैं। और मेंबर ऑफ असेंबली जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो अपॉइंट किए जाएंगे आधे प्रिंसली स्टेट से
और आधे जो होंगे वो रीजनल असेंबलीज के थ्रू। ठीक है, ये बात इसमें इन लोगों ने कही। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमिटी जो थी उसने ऑब्जेक्ट किया कि अगर प्रिंसली एस्टेट से जो मेंबर आएंगे, नॉमिनेटेड आएंगे, तो ये प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी। इसलिए उसने ये कर दिया। और मुस्लिम लीग को फिर वही प्रॉब्लम कि हमें वीटो पावर नहीं दी जा रही है। ठीक है, और गांधी जी ने इसको अपोज करते हुए कहा कि ही शॉ द प्लान ऑल थिंग कंसिडर्ड एज पोस्ट डेटेड चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्लान को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ये हमें याद रखना होगा। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ओके, क्योंकि बहुत बाद में आप अब डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हो, ये बहुत पहले की बात हो चुकी। ओके, और मुस्लिम लीग पुश फॉर द सीट्स इन इंटरिम गवर्नमेंट डिवाइडेड 50-50 बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। मुस्लिम लीग का कहना था कि 50-50 सीट्स करो, आधी सीट्स टोटल में से 50% हमारी होगी, पर इस चीज के चलते डेडलॉक क्रिएट हो गया और क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। ओके, अब सारी चीजें फेल होते जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन नहीं पा रही थी, मुस्लिम लीग अपना अड़ंगा लगा रही थी, कांग्रेस के अपने अलग डिमांड्स थे। उस केस में सी राजगोपालाचारी जी, जिसको राजा जी भी जिनको हम लोग कहते हैं, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मद्रास तमिलनाडु को लीड किया था, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला लाया, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला इन 1944। अब इस फॉर्मूला में क्या है भाई, कि अगर मुस्लिम लीग कांग्रेस का मदद करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाने में, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कमीशन बनाएंगे इसके बाद, और वहाँ अलग अलग जगहों पे जहाँ भी मुस्लिम की मेजोरिटी है वहाँ पे हम लोग वोटिंग करा लेंगे, प्लेबिसाइट करा लेंगे सारे पॉपुलेशन का, ओवरऑल पॉपुलेशन का, कि उनको भारत में रहना है या मुस्लिम लीग के साथ जाना है। ऐसी बात हुई, ठीक है, और कुछ ऑटोनोमी दे देंगे वैसे रीजन्स को, और लेकिन जो मिलिट्री पावर होगी, ट्रेड, कम्युनिकेशन और जो भी ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन टाइप की चीज़ें होंगी, वो सेंटर के पास ही रहेंगे। और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब ब्रिटिशर्स के हाथ में पावर आएगी। ठीक है, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डायरेक्ट वीटो तो मिला नहीं मुस्लिम लीग को, तो उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। इस तरीके से इसकी बात भी खत्म हो जाती है। फिर आता है देसाई लियाकत प्लान। ये भूला भाई देसाई, जिसको गांधी जी ने जिनको कहा कि भाई अब जाओ तुम मुस्लिम लीग से बात करो, और मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली, ये लोगों ने एक 1945 में एक प्रपोजल क्रिएट किया। ठीक है, और इनके हिसाब से क्या था कि लियाकत अली और इन लोगों ने क्या क्या बोला कि सेम नंबर ऑफ नॉमिनीज फ्रॉम ईच पार्टी टू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में दोनों पार्टीज के सेम नंबर ऑफ नॉमिनीज होंगे, और अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप जैसे सिख को और शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनका रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को के फॉर्मेशन और फंक्शनिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं इस पे हम लोग रिव्यू करेंगे। ये कब काम हो रहा है, 1945 में। कौन से एक्ट के बारे में, 1935 के बारे में। ओके, लेकिन इस आइडिया को कांग्रेस खुद अपोज कर दी और मुस्लिम लीग भी अपोज कर दी, इसलिए ये आइडिया भी फेल हो गया। फिर उसके बाद आता है वैभल प्लान। देखिए, देसाई लियाकत प्लान के बाद आएगा वैभल प्लान, देसाई लियाकत प्लान के पहले आएगा क्या, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला इन 1944। अब वैभल प्लान 1945 जब आता है तो इसमें क्या था कि वैभल प्लान को जो है न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने की बात हुई थी सेंटर में, जहां पे ऑल मेंबर्स बीइंग इंडियन, बस वाइसराय और कमांडर इन चीफ जो होंगे वो ब्रिटिश होंगे, बाकी जितने भी मेंबर्स थे वाइसराय कमेटी के वो सारे इंडियंस होंगे। ठीक है, और उसके मिनिस्ट्री भी दी जाएगी ये सारी चीजें, और मुस्लिम जो 25% थे इंडिया के पॉपुलेशन के, वे आर ग्रांटेड अपॉर्चुनिटी टू ओवर रिप्रेजेंटेड इन द प्रपोज्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कि मुस्लिम का प्रपोर्शन वहां पे ज्यादा हो रहा था, विच वुड हैव 14 मेंबर्स, 14 मेंबर मुस्लिम के हो रहे थे, और इनको 6 डेलीगेट्स ये लोग और चूज भी कर सकते थे, यही प्रॉब्लम का जड़ बना। ठीक है, लेकिन दूसरी बात कि वाइसराय जो है उनके पास वीटो पावर होगी, कि मान लो कि इनके काउंसिल ने अगर कुछ पास भी किया तो वाइसराय के पास ऐसी पावर होगी कि वीटो पावर होगी कि वो उसको कैंसिल कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसी पावर आप किसी को देंगे तो बाकी सारे लोग उसका अपोज करेंगे, अपोज करेंगे तो वो चीज रुक जाएगी, बात खत्म। इस तरीके से ये भी फेल हो गया।
उसके बाद आता है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया की यूनिटी मेंटेन करने की बात कर रहा था, ठीक है, और डिनाइंग द लीग्स डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के डिमांड को ये मतलब डिनाई कर रहा था कि कोई अलग से आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। और अब जब देखिए यही बात हो गई, जब इसने जैसे ही ये बात कह दी तो क्या होगा, मुस्लिम लीग इसके अपोज में चली जाएगी, पहली चीज, ठीक। और क्लेमिंग दैट दिस वुड नॉट इशू द एड्रेस ऑफ कम्युनल माइनॉरिटी, और डिफेंस कम्युनिकेशन ये सब जो होगा पार्टीशन से बर्बाद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कैबिनेट मिशन प्लान में कही गई। और क्या हुआ कि यूनियन को ये बहुत कमज़ोर करने की बात कर रहे थे कि यूनियन जो रहेगा वो बस फॉरेन पॉलिसी और छोटी मोटी चीज़ें देखेगा, स्टेट्स जो होंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, वो चाहें तो वो भारत से अपना अलग भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, और सेंटर के पास जो पावर होंगी वो जैसे कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस और बाकी सारी पावर्स जो हैं वो स्टेट के पास होंगी, और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, और वही मेंबर्स आगे चल के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। और यही हुआ भी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। ग्रुप ए, बी और सी में बांटा गया था, अलग अलग थ्री सेक्शंस में अलग अलग प्रोविंसेस को डाला गया था, ठीक है, और उसी बेसिस पे इलेक्ट हुए लोग और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अकाली सिख जो थे वो इसके विपक्ष में चले गए, बट ओवरऑल मोटे मोटे तरीके से मुस्लिम लीग ने भी इसको बाद में चल के एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, और इसी बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी भी थी। अब लास्टली बाल्कन प्लान, बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन, इनको भेजा गया ये कह के कि भाई या तो तुम भारत को बिना तोड़े हुए आज़ाद कर दो, या फिर आज़ादी का मतलब जो भी प्रोसीजर है वो स्टैब्लिश करा दो, या फिर अगर पार्टीशन हो रहा है तो पार्टीशन भी करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड दैट्स वाई रेडक्लिफ जो थे उनकी कमिटी आई, रेडक्लिफ लाइन बना और इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, और इस तरीके से बाल्कन प्लान ओवर होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे। कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस। पाकिस्तान रिजोल्यूशन 23 मार्च 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। अब हम लोगों ने क्या क्या देखा था, क्रिप्स मिशन देखा था मार्च 1942 में, था क्या ये, तो जी हाँ था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 हमने देखा था, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भी आया था। अब नई चीज़ है यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था कि जब मुस्लिम लीग की डिमांड को नहीं माना गया तब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी, जहाँ पे सीधे कहा गया कि जहाँ पे भी आपको मुसलमानों की बात नहीं मानी जा रही है, मुस्लिम लीग के मेंबर्स की बात नहीं मानी, क्योंकि वो अपने आप को ना मुस्लिम लीग वाले पूरे मुसलमानों का लीडर मानते थे, जबकि ऐसा था नहीं। बहुत सारे मुस्लिम के बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस में भी मौजूद थे, जैसे आपके मौलाना आजाद, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने उसकी घोषणा कर दी। अब उसके चलते पूरे भारत में दंगे फैल गए, ये 16 अगस्त 1946 को हुआ था, और 23 मार्च 1940 को इसने क्या किया था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करके पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, वी विल डिस्कस द एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विथ अस। शाइनिंग आउट, ओजस शंकर, थैंक यू।